उठे अगर माँ के हाथों से मिले तो अच्छा ही होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और सारा जो मेरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग ये था, बहुत ही खास था क्योंकि आज सुबह मैंने कुछ बनाया था पर तुम्हारा भाई लेट लदोर जा नहीं पाया कहीं। मैंने सोचा था कि सुबह 6 बजे उठ के आपको ब्रोड के नज़ारे दिखाऊंगा पर यहाँ तो 9 बज गए। अब मैं कल करूँगा कोशिश और आज दिखाऊंगा। मैं पहले मैं चाय बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं कमरे की सफाई करूंगा। घर के पास ही है, ये एक सेब का पेड़ है और इधर पीछे है ये है शाड़े का पेड़। खुमानी, खुमानी अलग होता है, शाड़ा अलग होता है, तो शाड़े का पेड़ अभी ये कच्चे हैं। और इधर आपको दिख रहा होगा यहाँ पीछे खट्टे का पेड़। तो अभी इसके मैं सिनेमैटिक शॉट बताता हूँ आपको। अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया और ब्रेकफास्ट में मेरे को परांठे मिले, अचार मिला और चाय भी मिली। तो परांठे अगर माँ के हाथों से मिले तो अच्छा ही होता है। तो मैं आपको परांठे का सिनेमैटिक शॉट बताता हूँ। खाना खूना हो गया अपने, अब मुझे काम मिला है दुकान खोलने का क्योंकि पिताजी नौकरी को गए हैं और दुकान मुझे खोलनी पड़ेगी और सफाई भी मुझे करने पड़ेगी और कमरे की सफाई भी करने पड़ेगी। तो उस सभी चीज़ों का ब्लॉग मैं आपको बताऊँ, तो आप ब्लॉग पर लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो तो यार प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो अभी सीन ये हुआ कि जैसे मैं शूट कर रहा था तो मैंने कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन रखी थी जिस कारण से पूरा ही वीडियो क्लिप वाइट हो गई। तो अभी आप एक और क्लिप देखें जिसमें मैं झाड़ू मार रहा। तो ये मेरा वेपन तैयार हो गया, अब चला मैं साफ करने। फ्लेम बॉय देख ले, तेरे बर्थडे की गिफ्ट मिल गई मुझे आज, हैप्पी बर्थडे। दुकान की साफ सफाई तो हो गई, अब जाऊंगा मैं अपने कमरे। मेरा कमरा घट और स्टोर रूम ज़्यादा होता है क्योंकि घर वालों को ही भी पता है कि इसका मतलब हम साफ सफाई करके रखेंगे तो भी ये गंदी मचा देगा, तो इसीलिए वो मेरे घर में मतलब मैक्सिमम सामान होता है। मैं अभी आपको क्लिप बताऊंगा, उस क्लिप से आपको पता लग जाएगा कि घर वाले सही कहते हैं, मैं बाकी बहुत गंदा हूँ पर आज मैंने थोड़ा सा अच्छा रखने की ठानी है। तो देखते हैं कब तक मेरा कमरा अच्छा रहता, तो चलो चलते हैं कमरे में। तो देखो गाइज, आप देख सकते हो मेरा कमरा इस तरीके के हाल, और ये बैग है, एक बुक लाया था मैं पढ़ने के लिए और ये वैसी की वैसी पड़ी है सराहने, और उधर भी मेरी बुक्स है और ये पंखे और ये कपड़े और इधर ये मशीन है, ये मतलब खतरनाक ही है, मतलब ये रखा है मैंने थोड़ा सा कल और आज भी करूँगा मैं इसकी सफाई। तो यार ये अपनी ब्लैक स्क्रीन लगाई थी बट टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए नहीं, अपना यूट्यूब के लिए बनाई थी मैंने। ऐसा मत समझना कि भाई तू भी भाई टिकटॉक और फिर से ज्वाइन कर रहा है, नहीं आई एम यूट्यूबर। तो अभी मैं सफाई करने के लिए तैयार हूँ, बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने अपनी बहन को मनाया, वो फोन पकड़ने के लिए राजी हुई है। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने काम पे फोकस करता हूँ। मोटी साफ सफाई मैंने कर ली है और आप भी बताना कि स्पेशली बॉयज़
कि भाई लोगों आप भी ऐसे सफाई रखते हो मेरी तरह, या आप साफ सुथरे हो, मैं तो भाई बड़ भरा हो, क्या बोलते थे सो। ब्लेत्रा टाइप, तो समझ लो गाइस। तो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मैंने सोचा था कि इस वीडियो को लंबी बनाया जाए, पर कल फिर से शुरुआत होगी मॉर्निंग से। तो आपको कल से फिर से मॉर्निंग में अपना ब्रॉड वैली बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और भाई सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद उस साथ में बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और गाइस वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।